इतना ज्यादा तूफान, पहले इतनी ज्यादा बारिश और अब इतना ज्यादा तूफान। बस थोड़ी देर को आया, उस साइड को अभी भी चला है, रुको मैं दिखाती हूँ। अब डर लग गया है सच्ची में, अब वो बात नहीं है। अरे बारिश फिर से स्टार्ट हो गई, तो आज बारिश की वजह से चारों तरफ से हमारा नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि एक तो पानी घर के नीचे और ऊपर से आज गाड़ी भी नहीं आई, आज दूध ही दूध है जहाँ भी देखो। तो यहाँ पे मैं थोड़े का पनीर बना दूंगी और इसको जो है दही बना देंगे इसका, अभी और दिखाती हूँ, क्योंकि 10 लीटर दूध एक टाइम को होता है हमारे पास। ये देखो, तो ये मैंने सुबह के लिए रख दिया। वैसे तो हम फ्रिज में रख के भी दे सकते थे सुबह, पर फिर हो जाता है ना कई बार, अगर खराब हो जाता है तो फिर जो दूध लेके जाता है ना उसको दिक्कत होती है, अगर कहीं कैनी खराब हो गई बाई चांस। वैसे तो ठंड है, बहुत ठंडा मौसम है, सुबह भी दे सकते हैं, पर अगर फिर हो ही जाता वही बात ना, तो हमने सारा दूध यहाँ पे जो है इसका पनीर बना देंगे, इसको दही बना देंगे इसका, बाकी जो ये वाला यहाँ पे बचा है इसको कल के लिए रख देंगे, पूरे दिन के लिए चाय वगैरह जो भी बनानी होगी, है ना। तो आज ये भी जो है हमारा 300-400 रुपया ख़त्म। मुझे लगता है अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं, जैसी रजा में भगवान रखना चाहे वो ऐसी में रहेंगे, है ना। आँख बहुत दिक्कत कर रही है मेरे, तो अभी ये दूध गल रहा है तो अभी डाल दूंगी मैं इसमें सिरका, थोड़ा सा सिरके से फाड़ देंगे, ठीक है, और फिर बन जाएगा हमारा पनीर। अरे भाई ये काम पे हो गया, और इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है ना, मैं न्यूज़ देख रही थी आज हर जगह पे बारिश है कि डर लग गया भाई। और रोड के किनारे जो दुकानें हैं जो भी जैसे भी रोड के किनारे दुकानें गाड़ियां घर जो भी है उनके लिए बहुत ज्यादा खतरा बना हुआ है, और खतरा नहीं बना हुआ है, शिमला में 3 लोगों की मौत हो चुकी है बारिश, कहीं पे दंगा गिरने मकान गिरने की वजह से, और मंडी कुल्लू मनाली में NH3 पता नहीं रोड बंद हो गए, बहुत सारे जाम लगा हुआ है, अटल टनल की टनल के पास आवाजाही बंद है, मतलब क्या बताऊं मैं, हर जगह से बहुत गंदी गंदी वो आ रही है तस्वीरें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिनको देखते ही, ठीक है। तो परमात्मा, बस मैं तो ये बोल रही हूँ कि, और यहाँ पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, और सभी लोगों से गुजारिश है प्लीज ना जाएं नदी नालों के पास ना जाएं, और 5-6 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे बारिश का बहुत ही भयानक वाला मंजर देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने इसका पनीर बना दिया इसका, मैंने दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये देखिए पनीर बन रहा है अभी, पर ये दूध फटा नहीं, पूरी तरह से नहीं फटा, आजकल कुछ ज्यादा ही होगी, दूध के पदार्थ से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं, कुछ कभी मालपूड़े कभी कुछ बारिश के, बस घर में यही काम है आजकल कुकिंग का ही, तो अब फट गया शायद अच्छी तरह से, इसको पहले फाड़ देंगे हम और फिर बना देंगे हम इसका पनीर। देखो क्या वो है ना कि दूध की कीमत कम होती है, जब ये फट जाता है ना तो इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है, प्योरिटी रह जाती है ना। ये देखो अब पनीर बन गया इसका, और यहाँ पे भी दूध है जो कि उबल चुका है, और मैं गैस बंद कर रही हूँ, तो आग जलाती हूँ तो फिर धुआं लगता है, क्योंकि आज बाहर बहुत ज्यादा तूफान है, तो आज आग का तो मैंने बंद ही रखा हुआ है सिस्टम, नहीं तो फिर आंखें किसी काम की नहीं रहेगी, चूल्हे के चक्कर में मेरी आंखों में पहले बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दिक्कत है,
ये देखो ये सिया का दूध नहीं है, दूसरी का दूध है। तो जर्सी गायों के दूध में पनीर बहुत कम निकलता है। सिया का दूध जब कभी प्यासे फाड़ती हूँ तो उसमें पनीर बहुत ज्यादा निकलता है। तो ये बस पानी, ये देखो इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ये देखो बस हो गया। अब इसको मैं निकाल दूंगी, कपड़े में बांध दूंगी। जय माता दी। कैसे हो आप सभी? राम राम जी सभी को। और आज इतनी ठंड हो गई है, बारिश थोड़ा थमी है। दिखाती हूँ आपको, मौसम भी दिखाती हूँ, लेकिन पहले बता दूँ कि मौसम एकदम से ठंड हो गई है। और मुझे लगता है कि बुखार तो है ही अंदर, मुझे आज जुकाम भी आ गया है। कल मैं पानी में भी रही काफ़ी देर। तो आज का जो मौसम है 11 तारीख है, आज थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है कि सही है। सही तो क्या है, पर ये भी चलो ठंडी हो गई, गले में भी खराश है देखो। और धूप के पानी जो निकला है ना, ये ऐसे ही चल रहा है अभी, यहाँ पे भी निकला है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे, और वहां जैसे भी निकला है। देखो कितनी जगह से पानी निकल रहा है घर के नीचे से। और हवा देखो आप, लेंटर के ऊपर चलती हूँ अभी, लेंटर से दिखाती हूँ आपको आसपास के जो नज़ारे हैं, बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। पर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे सच्ची में बहुत ठंड लग रही है। गला भी मेरा बस कुछ बैठा बैठा सा लग रहा है, आंखें देखो लाल, ये बुखार की वजह से मेरे ख्याल में शायद। तो मैं आ चुकी हूँ ऊपर छत पे, सूर्य भगवान जी आज बहुत दिनों बाद दर्शन दे रहे हैं, नमस्कार इनको। और ठंडी देखो तो कितने हालात खराब हैं, बहुत ज्यादा। पता नहीं वो पानी कहाँ से निकल रहा है नीचे, खैर उसकी छोड़ो। और अब देखो हवा फिर से शुरू हो गई है। हवा चलो ठीक है, हवा बादल उड़ा देती है, बारिश नहीं होने देगी, पर अभी वैसा नहीं है जबकि हम अगर हम सोचें कि नहीं अब बारिश नहीं होगी। बादल अभी भी बने हुए हैं, आसपास का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं कहीं धूप आई है पर ठंड है, ठंड है आज। कहीं कहीं आसमान साफ है। तो घास से आने के बाद मैं खाना बना रही हूँ, और आज मेरी ना तबीयत ठीक नहीं है जिसने कल से, तो यहाँ पर बन रही है कढ़ी। और मैंने यहाँ पे घोल दिया है बेसन। ये देखो बरसा है पानी, कढ़ी डाल दी मैंने इसमें, मिर्चे, ये रोज बोलते बोले मिर्चे नहीं है घर में बच्ची, बोले मिर्चे नहीं है, आज देखना मिर्चे, आज मैंने पिसी भी डाली दूजी लाल मिर्चे उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, अब लगना पता।
और अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक थोड़े से बनाऊंगी मैं पकौड़े, देखती हूँ अगर बने मेरे से, पर तेल ही नहीं है पकौड़े कैसे बनाने में, पर मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी। चलिए ये हो गया हमारा, मैंने डाल दी इसमें कड़ी, बेसन लस्सी में घोला था बेसन, ये तो बहुत गाढ़ा है तो इसको अपने कर देते हैं पानी इसमें और ज्यादा। मैं ऐसे बना देती हूँ अभी, चलो शाम को भी हो जाए नहीं। तो देखियो अभी बनेंगे हमारे पकोड़े और वो भी इतने से तेल में। तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें डाल रही हूँ मैं बेसन। अब सोचेंगे कैसे पकोड़े बनेंगे, तो ये ऐसे ही पकोड़े बनेंगे। तेल हो चुका है खत्म और अभी इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक, ठीक। बस अब इसको घोल देंगे। तो अब इसको घोलेंगे, चम्मच से घोल रही हूँ मैं, विस्क नहीं लिया है मैंने, तो चलिए पहले घोल लेती हूँ। तो अभी जो है ये मैंने इस तरह का इसको घोल बनाया है, तेल आज खत्म था घर में, तो फिर हम पता क्या करेंगे, इसको ऐसे फैला देंगे चारों तरफ, ठीक है। पर मैंने ना दूसरे तवे के ऊपर नहीं रखे, दूसरे तवे के ऊपर रखे तो बढ़िया पकना था। पर आंच मैंने ना बिल्कुल कम कर दी है, ठीक है, ज्यादा आंच कभी भी नहीं रखनी चाहिए ऐसे कुछ भी बनाते टाइम, वो जलता है फिर, वो पकता नहीं, वो जल जाता है। बिल्कुल कम आंच में रखी हुई, ठीक है। चलिए जब इसको हम पकने देते हैं अच्छी तरह से, अभी थोड़ा सा रह गया इसको बाद में करें। तो ये बनाई थी मैंने बेसन की रोटी और ये बड़ी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैंने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े पकौड़ों के तौर पे हम इसको डाल देंगे। बहुत टेस्टी बनते हैं, ना ज्यादा तेल लगता है। यहाँ पे कड़ी भी हमारी हो चुकी है और एक रोटी यहाँ पे ये बन रही है, ठीक है। तो बस हो गई ये भी रोटी, देखो धुआं कहाँ से निकल रहा है, गैस बंद कर दूंगी और यहाँ इसको भी तोड़ लूंगी, ठीक है। चलिए बस अब थोड़ी देर बाद हम कड़ी कर देंगे बंद, जब इसमें नमक वगैरह रख जाएगा अच्छी तरह से। और जितने भी नए जिन्होंने चैनल खोले हैं, जिनके नहीं सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, प्लीज़ शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा डालें, शॉर्ट्स से आपको काफ़ी सब्सक्राइबर मिलेंगे और हमारे चैनल की रीच भी बढ़ती है। तो बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। और इसका बहुत महत्व है हमारे सिल्वर प्ले बटन का, ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है हमारे लिए।
बहुत बड़ा। ठीक है, तो चलिए ऐसी छोटी मोटी जानकारियाँ मैं लेके और भी आऊँगी कि किस तरह से और क्या क्या अचीव हुआ था मुझे यूट्यूब से, क्या क्या मुझे मिला था जब शुरू में मैंने शुरू किया था जब चैनल। तो चलो, जय माता दी, राम राम।